थर्टी नंबर क्वेश्चन है, गिवन दैट गिवन दी गिव्स फ्री एनर्जी चेंजेस, डेल्टा जी क्या है? पॉजिटिव 63.6 किलो जूल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी गिवन है, के एस पी ऑफ ए जी टू सी ओ थ्री इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, आर इगोस टू इतना लेना है। तो अब देखो के एस पी और डेल्टा जी, हमने डेल्टा जी का फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला, और माइनस आर टी एल एन के, यहाँ पे जो होता है के जो होता है इक्विलिब्रियम होता है। तो लेकिन यहाँ पे देखो ये जो है वो हमारा एक्वस में, तो इसके लिए हम इसको के एस पी लिख सकते हैं, के इक्विलिब्रियम या के एस पी, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पे आर कितना है, 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है 25, यानी कि 298, एल एन को लॉग में 2.303, एल एन क्या आएगा लॉग के एस पी, यानी कि के एस पी। अब डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है, 63.3 इंटू 10^3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लॉग के एस पी, ये आ जाएगा माइनस के 11.09। ठीक है, तब इसको क्या एंटी लॉग लोगे तो के एस पी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8 × 10^12। अब बच्चे को यहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगी, पहले बात तो बच्चे को ये फॉर्मूला याद होगा क्योंकि उसने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली याद होगा। अगर नहीं है तब भी आप एक बार एक्सप्लेन कर दोगे, फिर सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया लॉग के एस पी तक बच्चा वैल्यू निकाल लेगा। बच्चे को प्रॉब्लम आती है कई बार एंटी लॉग लेने में, अगर बच्चा एंटी लॉग नहीं ले पा रहा, अब यहाँ पे या तो पॉसिबिलिटीज है कि -12.09 है तो इसको -12 + 0.8 ऐसे कर दो और फिर उसका के एस पी ले लो, तो वो कितना हो जाएगा 8 × 10^12। अब या ऐसे नहीं ले पा रहे हो तो बच्चे को ये बोलो कि इनका ये के एस पी है ना तो इसका लॉग ले लो, तो यहाँ पे जैसे ही 26 का लॉग लोगे यानी पॉजिटिव मान से देगा, ये कितना देगा -12 -0.9694 के अप्रोक्स, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। ये देखो इसका अगर एंटी लॉग लोगे तो यानी कि थ्री ये जो लोगे, यानी कि ऑप्शन अगर ए का मैं एंटी लॉग लूँ तो ये क्या है, अगर लॉग के एस पी करूँ तो वो क्या आएगा लॉग ऑफ कितना वैल्यू है 3.2 × 10^26, तो ए इंटू बी यानी कि ए प्लस बी, तो लॉग 10^26 यानी कि 26 के अप्रोक्स आंसर आएगा, राइट? क्योंकि लॉग 3 क्या होता है 0.74, इससे थोड़ा सा वो भी ऐड होगा यानी कि इससे प्लस है, हमें आंसर कितना चाहिए माइनस में, तो यानी कि फर्स्ट नहीं हो सकता। बी जैसे ही ऑप्शन चेक करोगे लॉग के एस पी वो कितना आएगा लॉग ऑफ 8 × 10^12। तो देखो 12 -12 + log 8 यानी कि 12 से थोड़ा कम वही चाहिए हमें, इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप दोनों बता सकते हो बच्चे को, ये वाला या फिर ये वाला। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी डिस्कशन में।